दोस्तों, अगर आप एक नया घर बनाते हैं या फिर कोई दुकान को आप रेंट पे लेते हैं तो उस स्थिति में आपको एक नया बिजली का कनेक्शन लेना जरूरी होता है। बिना बिजली का कनेक्शन लिए आप इलेक्ट्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो ये इलीगल होता है। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 2024 में एक नया बिजली का कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी को समझाने के लिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलता हूं। दोस्तों, अगर आप बिहार में एक नया बिजली का कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार में दो प्रकार का बिजली का कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। पहला SBPDCL, दूसरा NBPDCL। SBPDCL का फुल फॉर्म होता है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और NBPDCL का मतलब होता है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। SBPDCL साउथ बिहार वाले लोगों के लिए है और NBPDCL नॉर्थ बिहार वाले लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको SBPDCL के माध्यम से एक नया बिजली का कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, दोनों का ऑनलाइन प्रोसेस लगभग सेम है। अगर आप नॉर्थ बिहार से भी बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, एक नया बिजली का कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे एंड इसमें आपको सर्च करना है SBPDCL। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो भी पहला लिंक आपको मिलेगा आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप साउथ बिहार पावर के ऑफिशियल पोर्टल पे चले आएंगे। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस पोर्टल पे आने के बाद एक नया बिजली का कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू कनेक्शन का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इसके नीचे दो और ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा, न्यू कनेक्शन गाइडलाइंस का और न्यू सर्विस कनेक्शन का। दोस्तों, अगर आप न्यू कनेक्शन के गाइडलाइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके सभी यूजर एंड मैनुअल को पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद एक नया बिजली का कनेक्शन का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सेकेंड वाला ऑप्शन न्यू सर्विस कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू सर्विस कनेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्म खुल के चला आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो फिजिकल विजिट रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग द सर्विस अनलेस मैंडेटेड बाय लॉ। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको खुद से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल मतलब क्या होता है, आप खुद से कहीं भी आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। नया बिजली का कनेक्शन के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही आपका बिजली का मीटर लग जाएगा आपके घर में, ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना जिला का यहाँ पे नाम को सिलेक्ट कर लेंगे एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन में एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, तो आप इस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देंगे एंड इसके नीचे पूरा फॉर्म खुल के चलाएगा जिसे आपको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है अब मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन टाइप दिया हुआ है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। अगर आप एक नया घर बनाए हैं और उसके लिए बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कनेक्शन टाइप में डोमेस्टिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप किसी दुकान के लिए अपना बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए यहाँ पे कमर्शियल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डोमेस्टिक एंड कमर्शियल के अलावा भी तीन ऑप्शन है, इंडस्ट्रियल, हर घर नल एंड पब्लिक वाटर वर्क। आप अपने अकॉर्डिंग अपना कनेक्शन टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंटर ओटीपी में आपके फोन पे जो भी ओटीपी गया है वो ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देंगे एंड इसके बाद कनेक्शन डिटेल्स में आपको यहाँ पे LTE वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा। अगर आप अपने ईमेल आईडी को भी यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप थर्ड नंबर में आएंगे तो यहाँ पे आपसे एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है जहाँ पे आपको एक नया बिजली का कनेक्शन लेना है, ठीक है, तो आप उस एड्रेस को यहाँ पे डिटेल में फिल कर देंगे। तो दोस्तों, आपको एड्रेस यहाँ पे इस तरीके से फिल करना है पूरा डिटेल्स में। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर फिल करेंगे, स्ट्रीट में आपका स्ट्रीट मोहल्ला कौन सा है वो फिल करेंगे, गाँव का नाम कौन सा है, पोस्ट क्या है, थाना कौन सा है, सिटी कौन सा है और पिन कोड क्या है वो यहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स में फिल कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे ब्लॉक का नाम यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, तो आप अपना ब्लॉक का नाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पंचायत में आप अपना पंचायत का नाम सिलेक्ट करेंगे, विलेज में आप अपना गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट डिवीजन में आप अपना डिवीजन का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सब डिवीजन में अपना सब डिवीजन का नाम सिलेक्ट करेंगे एंड सेक्शन में आप अपना सेक्शन का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, एड्रेस का जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल किया है ये सब आप अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है टैरिफ, तो टैरिफ में आपको यहाँ पे DS1D वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आप घर के लिए नया बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद फेज में आपको यहाँ
यहाँ पे वन फेस सिलेक्ट कर लेना है एंड लोड में यहाँ पे वन टैप कर देना है, ठीक है। यही बेस्ट है घर के लिए बिजली का कनेक्शन लेने के लिए। दोस्तों अगर आप घर के अलावा किसी और चीज के लिए बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। जिस चीज के लिए ज्यादा कमेंट आएगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पे एप्लीकेंट का डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उनका जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद उनका नाम को यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी उसके आधार कार्ड पे है पूरा नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट उसके पिता या पति का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे, अगर कोई शादीशुदा महिला है तो यहाँ पे पति का नाम फिल करेंगे, अगर कोई जेंट्स है कोई लड़का है तो यहाँ पे उनका पिता का नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ आईडी में आपको यहाँ पे एक आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास है। डॉक्यूमेंट टैप में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास इनमें से, उस ऑप्शन को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स को जो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को चूज फाइल को ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। जैसे मैंने आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगा। एंड दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड को जेपीजी में यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो उसका साइज को 500 KB से कम रखेंगे। एंड अगर आप पीडीएफ फाइल में यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो उसका जो साइज है 10 MB से कम होना चाहिए, मतलब 10,000 KB से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करने के बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। एड्रेस प्रूफ में आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसमें भी सेम ऑप्शन है, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सभी ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप आधार कार्ड को यहाँ पे इसमें भी सिलेक्ट कर लेंगे। आईडी प्रूफ में भी आधार कार्ड को दे सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड को दे सकते हैं। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड के फ्रंट पेज को यहाँ पे अपलोड करेंगे एंड लास्ट पेज को इस कॉलम में अपलोड करेंगे, ठीक है। दोनों को अलग अलग यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए फिर से आप यहाँ पे चूज फाइल को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां भी आपका आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे एंड जहां भी आपका आधार कार्ड का लास्ट पेज है उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का एक फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। एंड फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनरशिप का या फिर लीज डीड का या फिर रेंट एग्रीमेंट का या फिर कोई आपके पास जमीन का रसीद है उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फर्स्ट पेज को यहाँ पे अपलोड करना है एंड लास्ट पेज को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, इसके सामने। अगर सिर्फ एक ही पेज है तो यहाँ पे दोनों में वही जो डॉक्यूमेंट्स आपका है, अगर आपके पास जमीन का रसीद है तो यहाँ पे दोनों में आप अपना जमीन का रसीद को अपलोड कर देंगे। जमीन का रसीद उसी घर का होना चाहिए जहाँ पे आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तभी यहाँ पे अप्रूव लेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको लास्ट में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस रिक्वेस्ट नंबर को अपने फोन में फोटो खींच के रख लेना है या फिर आप इसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। वैसे ये रिक्वेस्ट नंबर सबमिट करने के बाद आपके फोन पे SMS के माध्यम से चला जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप एक नया बिजली का कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा एंड उसमें देखेगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होता है तो बिजली विभाग के द्वारा 1 हफ्ता से या 10 दिनों के अंदर आपके घर पे जाके उस एड्रेस पे जाके एक नया मीटर लगा दिया जाएगा एंड आपका बिजली का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई किए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाए एंड फिर भी आपके घर पे कोई भी कनेक्शन नहीं लगा हो तो अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे चले आना है, ठीक है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन कंज्यूमर सुविधा एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आवेदन की स्थिति LT मतलब लो टेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एंटर रिक्वेस्ट नंबर में आप अपना रिक्वेस्ट नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे एंड व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टेटस है यहाँ पे पूरा शो होने लगेगा। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट अभी ऑनलाइन अप्लाई किया है तो मेरा जो अभी यहाँ पे प्रोसेस है यहाँ पे सिर्फ सबमिट तक हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ड्यूज वेरिफिकेशन, टेक्निकल फिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा ये बाद में होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे रेड कलर में एरर आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस केस में आपको सही डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा एक नया बिजली का कनेक्शन लेने के लिए। मैंने आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा एंड इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।